अब एक और बताता हूं, अपने स्वयं पाक घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है जीरा। जैसे हलद है वैसे ही एक है जीरा। जीरा बहुत अच्छी औषधि है, पित्त के जितने भी रोग हैं आपके शरीर में ये सब जीरे से ठीक हो जाते हैं। पित्त के रोग आप सब समझते हैं, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, खट्टी खट्टी डकार आना, भोजन का पचन नहीं होना, इनडाइजेशन होना, वॉमिटिंग होना, बार बार उल्टी होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, नौसिया होना, ये सब पित्त के रोग। इन पित्त के रोगों की सबसे अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जीरे को ले लीजिए आधा चम्मच और आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए, पानी को खूब गर्म कर लीजिए, पानी को फिर ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके उस पानी को चाय की तरह से पी लीजिए और जो जीरा उसमें है उसको चबा के खा लीजिए। तो नियमित रूप से अगर सुबह सुबह आपने लेना शुरू किया तो ये जीरा पित्त के सभी रोगों को आपके शरीर से बिल्कुल दूर कर दे। गैस बनना बंद हो जाएगी, खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी, भोजन की जो अपच है वो ठीक हो जाएगी, वॉमिटिंग सेंसेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनडाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब बीमारी पित्त से संबंधित जितनी भी हैं, जिनको भी कहते हैं ना पित्त बिगड़ गया है, पित्त बिगड़ गया, उन सबको बोलिए जीरा खाएं। एसिडिटी वही पित्त बिगड़ा, एसिडिटी भी पित्त की ही खराबी है। तो जीरा बहुत अच्छी औषधि। अभी आगे चलते हैं, ऐसे जी जीरा आधा चम्मच, हाँ तीन चार महीने से ज्यादा कोई भी औषध लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा पाउडर खाए तो भी चलेगा, चलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।